मुंबई में रह के मस सी क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है यहाँ पे ये यह शहर थोड़ा इम्पर्सनल है इसको बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है इसको सिर्फ ये लेना देना है कि आप कितना आ, कितने प्रोडक्टिव हैं कि इफ सत्या सत्यापन इफ भिकू आई वुड हैव एंडेड अप नो वै हमारी इंडस्ट्री का एक चलन रहा है कि जो भी एवरेज लुकिंग है वो विलन बहुत अच्छा बन सकता है और जो जो कन्वेंशनली फेयर आदमी है वो हीरो के लायक है आई वेंट थ्रू सच अ डिप्रेशन वेयर आई डेंट नो हाउ टू फेस दियर एंड डियर वन सेट पे उस हिमुलेशन से ज़्यादा बेहतर है कि ये जेब खाली रहे एंड इज़ बेटर टू चेज योर ओन ड्रीम दैन टू लिव समबडी एल्स ड्रीम आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर डिरेक्टर्स हु कैन चैलेंज मी डिरेक्टर्स हु कैन टेक मी आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन अनुराग कश्यप और दिवाकर बैनर्जी टाइप के बहुत सारे फिल्म दे टुक द रियलिज्म लेवल बहुत सारे लोग गाली पे अलग अलग ढंग से रिस्पोंड करते हैं मैं गाली को कभी भी उस तरह से रिस्पोंड नहीं कर पाता हूँ डिसगस के साथ इफ लाइफ इज नॉट फेयर ट्राई टू अचीव दैट आइडियल नहीं तो बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि ट्विटर पर कुछ और लिखते हैं और अपने काम की जगह पर जो है बिल्कुल <laughs> ही फेयर नहीं है नमस्ते जय हिंद वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ ए पॉडकास्ट विद स्मिता प्रकाश टुडे माय गेस्ट इज मनोज बाजपाई वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स ऑफ आवर टाइम्स ही हैज़ थ्री नेशनल अवार्ड्स एंड सिक्स फिल्मफेयर अवार्ड्स अवार्ड द पद्मश्री फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू दर्ट मनोज जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट एंड आई एम रियली लुकिंग फॉर्वर्ड टू चैटिंग विद यू मैं उस सिलसिले से शुरू करूँगी जहाँ आप गाँव से निकले बॉम्बे ड्रीम्स को लेके Uh, एक छोटा सा लड़का वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट का कैसे ये सपने लेके निकल पड़ा था कि मैं फिल्मों में काम करूँगा कैसे हुआ ये अच्छा जब जब मुझे ये बोला जाता है फिर से याद करने के लिए इट ऑल सीम्स लाइक ए ड्रीम फॉर मी जस्ट इन वन ईयर आई लॉस्ट बोथ द पेरेंट्स ऑफ माइंड लास्ट मंथ माई मदर सो इट ऑल सीम्स दैट आई केम फ्रॉम नो वेयर And uh, I'm nobody. You know all of that feeling uh, yeah. when you are asking me this question, uh, because without parents, no child feels complete, uh, no matter how old you are. Yeah. And I was telling your your colleague Nidaj that uh, at this age, when I lost both of my parents, you one feel often, and mm. and what must be happening to all the children who lose their parents at a very young age. <laughs> THERE'S yeah. A HOLE IN THE HEART. होल इन दार्ट होल या सो टू आंसर योर क्वेश्चन में border से आता हूँ नेपाल uh, और बिहार का जो बॉर्डर है hmm. uh, आजकल वो टाइगर रिजर्व हो चुका है hmm. पहले वहाँ पे डकैत रहा करते थे huh. <laughs> <laughs> इसलिए <बैंड़ी वीण. laughs> uh, <coughs> तो जाहिर सी बात है कि इतने साल पहले मोर देन फोर डेकेट्स और मोर देन देट डेकेट्स बैक वहाँ पर स्कूल uh, थे लेकिन सेकेंडरी तक थे हुँ. हम uh, हमारी पढ़ाई जो शुरुआती दौर में हुई थी वो एक झोपड़ी uh, में हुई थी वहाँ मास्टर जी आते थे सरकारी मुलाजिम थे वो uh, और वहाँ पे एक तखत हुआ करता था और हमें चटाई मिलती थी जिसे मुंबई में गोनी कहते हैं नहीं। पता नहीं वो बो, बोरी कहते हैं दिल्ली में उस बोरी पे बैठते थे मैं हम तो लोग चटाई हाँ जाती हूं। और उस पर हम लोग बैठते थे और सामने एक छोटा सा लकड़ी का तख्त होता था हम सब के लिए तो वहाँ से शुरू हुई हमारी यात्रा और पिताजी के छः बच्चे थे माता पिता के और छः बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए उस तरह के विद्यालय नहीं थे तो हमें डिस्ट्रिक्ट टाउन बेतिया भेजा जाता था और वहीं पे कैथलिक स्कूल एक लड़कियों के लिए सेंट्रीज़ा था और लड़कों के लिए क्याराई स्कूल था सेम जे जेसुट जो सेंट जेवियर और सेंट माइकल का पटना में है हमारा कैंपस ज़्यादा बड़ा था क्योंकि हम बेतिया शहर में थे ज़मीन बहुत ज़्यादा थी बोर्डिंग स्कूल बहुत बढ़िया था और उस लेकिन उससे पहले मिडिल स्कूल था सेम जेसुअट का सेंटेंस साइंस लॉस वहाँ पढ़ा मैं एक स्कॉलरशिप में पढ़ रहे थे नहीं, नहीं स्कॉलरशिप नहीं? में नहीं, हाँ। नहीं फीस के पैसे फीस के पैसे मेरे पिताजी हाँ थे थे। तो लोअर मिडिल क्लास मतलब जमीन बढ़ते बढ़ते प्रतिष्ठित परिवार था वाजपेयी जी लोगों का परिवार थोड़ा प्रतिष्ठित था लेकिन धन के नाम पर कुछ नहीं था क्योंकि जमीन बढ़ते बढ़ते बहुत कम बच पाई थी और जमीन कम और बच्चे ज्यादा इस तरह के परिवार में जहाँ पर आ, आप प्रतिष्ठित हैं तो आप रो चीख नहीं सकते हो कि आप में हमारे पास पैसा नहीं है क्योंकि समाज से mm. अपनी तकलीफ को भी छुपाना है mm. तो एक बड़ी वुहा होती है ये वैसी ही वहा है कि एक, एक जो फॉलन स्टार होता है वो कैसे बोलेगा कि मैं मेरे पास गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए पैसे नहीं हैं सो इट्स इज दैट कैन एफ झेला भी नहीं जाता बोला भी नहीं जाता झेला भी नहीं जाता बोला भी नहीं जाता तो मेरे पिताजी की वैसी स्थिति थी, थी। बट सपने बड़े थे मेरे पिताजी के सपने ये थे कि मेरे सारे बच्चे ग्रेजुएट हों तो इसके लिए उन्होंने आ, चाहे गांव से कर्ज लेकर के हो चाहे ज़मीन थोड़ी थोड़ी करके बेच के हो या उधार ले करके जैसा भी हो वो आ, सारे बच्चों को उन्होंने ये ठान रखा था कि पढ़ाएंगे कराएंगे। Very admirable. हमारी तरफ उस समय ग्रेजुएट होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी uh -huh. और अगर आपकी नौकरी लग गई तो वारे नहीं आ रहे तो पूरा यूपीएससी नहीं लिया उस पर भी मैं बाद में आता हूं। <laughs> 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 मतलब मैं तो नहीं करना चाहती, पर रास्ता तो वही हुआ ना फिर तो देखिये हमारे तरफ या तो डॉक्टर इंजीनियर या फिर लाल बत्ती की गाड़ी की का ग्लैमर ही कुछ अलग हुआ करता <laughs> कुछ कलेक्टर बन के आई <laughs> है <ये> आप एक <laughs> कलेक्टर एस पी बनिए तो मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं क्योंकि वो खुद बनना चाहते थे जी uh, कुछ मार्क्स कम रह गए थे उनके समय में मार्क्स के हिसाब से एडमिशन मिलता था एक आध उनके समय <laughs> में मार्क्स के हिसाब से एडमिशन आप एक लाइन यूं अंदर से धीरे से डाल देते हैं तो बाकी समझते रहिए जी तो अब, अब मेरी जो बेतिया जाने के बाद जो सबसे पहला पाँचवी क्लास में मेरे क्लासरूम टीचर ने अ, मुझे चूज़ किया एलोकेशन कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए पाँचवीं कक्षा को रिप्रेजेंट करने के लिए और मैं सबसे चुप रहने वाला व्यक्ति सबसे शर्मिला और मुझे बहुत डर लगा लेकिन मुझे जब दिया गया तो मैंने तैयारी करनी शुरू की और वो टीचर मुझे तैयारी तैयारी कराते थे, थे क्लास के बाद एक घंटे और फिर मुझे बहुत मज़ा आने लगा फिर जब कॉन्टेस्ट का समय आया और जब मैंने रिसाइट किया पोएम जो तालियां बजी जो तालियों के गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंजा वो मुझे अभी तक याद है उसका एक एक कविता? लम्हा याद है कौन सी कविता थी? याद है हरिवंश राय बच्चन जी की कविता थी जो बीत गई सो बात गई जीवन में एक सितारा था माना वो बेहद प्यारा था वो टूट गया सो टूट गया अंबर के तारों को देखो जाने कितने तारे छूटे जाने कितने प्यारे छूटे वो जो छूट गए फिर कहाँ मिले पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है जो बीत गई सो बात गई ये ये बड़ी कमाल की कविता थी और ये हमारे पाँचवीं कक्षा में थी ये कविता और ये कविता मुझे याद करने के लिए दिया गया और रेसिटेशन रे रे के बाद इट्स नॉट अ पोएम जो छोटे बच्चे समझ पाए ना लेकिन तोकर... हमें समझाया जाता था हाँ। और उतने छोटे में हमें बताया भी जाता था और जब मैंने उसको रिसाइट किया और रिसाइट करने के बाद जब मैं नीचे उतरा तो कहीं कही ना कहीं मेरे दिमाग में एक रिज़ोल्व आ चुका था कि मैं अभिनय ही करूँगा और उस समय से लेकर आज तक मैं सिर्फ वही काम कर रहा हूँ जो और वही मज़ा ले रहा हूँ जो पाँचवीं कक्षा में मैंने उस पोएम को रिसाइट करते हुए जो मुझे मज़ा आया था तो उस ड्रीम को लेकर के मैं उस ड्रीम को शेयर नहीं कर सकता था क्यों अपनी छोटी जगह पे क्योंकि छोटी जगह पे एक्टर्स को भांड माना जाता था और वो भी वाजपेयी वो भी वाजपेयी परिवार जहाँ पे विशल बजाना भी जिस परिवार में जो है पाप माना जाता था जहाँ पर फिल्मी पत्रिका को पढ़ना जो है उस पर बिल्कुल पाबंदी थी और मैंने अपनी सारी की सारी इच्छाओं को अंदर ही रखा अब मेरी पूरी कोशिश ये रही कि बारहवीं के बाद मैं कैसे दिल्ली जाऊं क्योंकि तब तक मैं बड़े होते होते ये जान चुका था कि एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नाम की संस्था है वहाँ से थिएटर में डिप्लोमा मिलता है हमारे बेतिया शहर में थिएटर का कोई चलन नहीं था पटना नहीं गए आप थिएटर में नहीं क्योंकि अब दिमाग लग चुका था मेरा कि स्कूल के बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एडमिशन अच्छा। लेना है और उसकी तैयारी करनी है तो दिल्ली पे दिमाग चला गया था और हम जैसे लोग तो मतलब पटना भी नहीं गए थे उसके पहले बीच बीच में आ, अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी की शादी होती थी तो हम लोग बनारस जरूर जाते थे पटना पहुँचे और वहाँ से ट्रेन लिए और फिर बनारस चले गए पटना में कभी रुकना नहीं हुआ पटना मेरे लिए एक बड़ा शहर था कभी रुका नहीं वहाँ पे ना आप कभी वहाँ के थिएटर सीन को जानने की कोशिश की और मुझे ये लगा कि दिल्ली में दिल्ली के उस संस्था से नवरुद्दीन शाह ओमपुरी राजबब्बर ये सब लोग निकले हैं तो मुझे वहीं पे जाना चाहिए बारहवीं तक मैंने अपने पिताजी को माताजी को ये बिल्कुल नहीं बताया कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ डॉक्टर एम बी बी एस का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया नहीं हुआ तब तो मैंने अपने पिताजी को कहा कि मेरा मन नहीं लगता है बायोलॉजी में मुझे यूपीएससी करना है चलो बेटा <laughs> तो उन्होंने कहा अच्छी बात है तो जाओ पटना तैयारी करो मैंने कहा नहीं मैं दिल्ली में तैयारी करूँगा उन्होंने कहा मेरी औकात नहीं है दिल्ली में तुमको पैसा भेजने की मैंने कहा मैं कुछ ना कुछ करूँगा ऐसा कि आधा मैं इंतज़ाम करूँगा आधा, आधा आप दे दीजिएगा ऐसा करके मैं अपने दोस्त के साथ दिल्ली चला गया क्योंकि उसका बड़ा भाई हंसराज कॉलेज में पढ़ता था दिल्ली में पहले सतवती में एडमिशन हुआ मेरा फिर वहाँ से ट्रांसफ़र लेकर के मैं रामजस आया रामजस आने के बाद पता चला कि सत सतवती कॉलेज के ही इस्लाम साहब जो थे वो नुक्कड़ नाटक किया करते थे तो मैं उनकी नुक्कड़ नाटक की संस्था से जुड़ गया मेरा मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था एन कि एन में जाना है लेकिन उसके पहले बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने हैं मुझे अच्छा तो पूरी की पूरे तीन साल ग्रेजुएशन के पढ़ाई कम की इतिहास पढ़ता था मैं और सारे रूममेट्स यूपीएससी की तैयारी करते थे उनके चलते पढ़ाई मुझे भी करनी थोड़ी पड़ जाती थी सब बदमाश थे वो सबके सब, सब तैयारी तो कर रहे थे लेकिन साथ साथ उनको ये लग रहा था कि ये पता नहीं क्यों ये पागल हुआ पड़ा है भांडगिरी के पीछे क्या करता रहता है लेकिन प्यार सब बहुत करते थे मेरे कपड़े फट जाते थे तो अपना कपड़ा देते थे मेरा जूता फट जाता था तो जूता देते थे खाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो खाना खिलाते थे ऐसे करके मेरे तीन साल कटे और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन के लिए जब मैं गया तब तक मैं काफ़ी अनुभवी हो चुका था उस तीन साल में लेकिन रिजेक्शन हो गया उसके बाद एक महीने तक माना जैसे कि मेरा सब कुछ लुट गया क्योंकि मेरे पास प्लान भी था नहीं और प्लान भी मैंने कभी बनाया नहीं अपने जीवन में कभी नहीं बनाया आज तक मैं प्लान भी बनाता ही नहीं हूँ उसके बाद एक महीने तक मेरे दोस्तों ने मुझे सहारा दिया मुझे डिप्रेशन से निकाला और फिर मैंने रास्ता तलाश करना शुरू किया फिर मंडी हाउस में ही मुझे एक थिएटर ग्रुप के लोग तीन दिन का वर्कशॉप कर रहे थे जो सारे एन एस थे मैंने उस वर्कशॉप को ज्वाइन किया उस ग्रुप को ज्वाइन किया बहुत सीखा एलुबेनाई से फिर बैरी जॉन तो जब एन एस डी में रिजेक्शन हुआ कहा जाता है कि आप डिप्रेशन में यू इवन वेंट वेंट नो आई थ्रू सच अ डिप्रेशन वेयर आई डेंट नो हाउ टू फेस द नियर एंड डियर और जब आपका सिर्फ प्लान भी होता है तो आपके आपको ऐसा लगता है शायद दरवाजे बंद हो गए आपके लिए आ, हर चीज़ जो आपने रास्ता बनाया था सब कुछ बंद हो गया तो उस दौरान में एक एक पासिंग थाट एक एक बड़ा सुसाइडल सा पासिंग थॉट आया था लेकिन उसको लोगों ने हेडलाइन बना दिया कि मनोज बाजपे सुसाइड करने वाले थे ऐसा नहीं था पासिंग थॉट जो डिप्रेशन में आते हैं उस तरह का मुझे हुआ था लेकिन मैं बड़ा मैं ब... स्मिता मैं आपको सच बताऊँ मैं बड़ा ब... कठोर जिगरे वाला आदमी हूँ मैं जल्दी टूटता नहीं हूँ मैं भगवान ने करे ऐसा कभी ज़्यादा बड़ी परीक्षा देने पड़े लेकिन अभी तक जितनी परीक्षा भगवान ने ली है उसको पूरे ताकत के साथ उसको फेस किया है और सपोर्ट स्ट्रक्चर जो आपके दोस्त इर्द गिर्द थे वो सब उन्होंने बहुत संभाला हाँ, और उस वक्त शायद ये डिप्रेशन ये शब्द हाँ। ये अल्फाज लोग ये जानते नहीं ये थे ये मॉडर्न 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 वर्ल्ड की एक uh, चीज़ें हैं जिसको मेंटल हेल्थ को करके हम लोग जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं ज़रूरी है बात करनी भी चाहिए जिसका अवेयरनेस भी होना चाहिए और लेकिन कहीं ना कहीं जब फैमिली सिस्टम टूटता है तो डिप्रेशन uh, uh, जो है एक बीमारी का रूप ले, ले लेता है, है। पहले फैमिली सिस्टम सोसाइटी का अपना एक सिस्टम हुआ करता था जो एक दूसरे को संभाल लेता था अभी कोई सोसाइटी सोसाइटी uh, कहने को सोसाइटी है लेकिन अंदर में क्रम्बल कर चुकी है फैमिली uh, कहने को है uh, लेकिन वो कम्प्लीटली प्रविसी के नाम पे, पे लोग बोलते नहीं है फिर अब भी प्रविसी के नाम पे अपने आप को दरवाजे के पीछे रखते हैं और बड़े सेल्फ सेंटर्ड भी हम हो चुके हैं जब से हमने संयुक्त परिवार को छोड़ा है हम आपके तो छह भाई बहन छह भाई बहन थे तो हमारे हम, हाँ नहीं नहीं हम तो मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ते रहे अब सारे भाई बहनों के एक ही बच्चा है और सबके सब एक एक फ्लैट में रहते हैं और हम सब अलग अलग रहते हैं तो वही संयुक्त परिवार अब जो है अब सिर्फ तीन लोगों का परिवार हो गया तीन तीन लोगों का तो उन तीन लोगों के बीच में जो समस्याएं आएंगी वो तीनों लोग एक समय पर रह नहीं पाएंगे एक एक दूसरे के लिए बाहर की सोसाइटी से संपर्क कट चुका है तो ये होता है लेकिन अगले साल फिर दिया फिर नहीं हुआ एन में जबकि मैं काफ़ी अनुभव ले चुका फिर जॉन के साथ काम करने का अवसर मिला उन्होंने एकदम से मुझे अपने साथ रख लिया उनको मैं असिस्ट करता था उनके लिए नाटक करता था दिल्ली और, में तो वो लेजेंड है लेजेंड थे एकदम बहुत बड़े थिएटर पर्सनालिटी थे जिनके साथ कोई भी एन का एलुमनाई हो या फिर एन का स्टूडेंट हो उनके साथ काम करना चाहता था एंड आई बिकेम हिज राइट हैंड पर्सन ब्लू आइट बॉय और वो नहीं चाहते थे कभी कि मैं एन में जाऊँ वो चाहते थे कि मैं उन्हीं के साथ जो है काम को सीखूँ और वो पूरी मुझ पर मेहनत भी करते रहे ऐसा करते है, करते है, मेरा अपना अनुभव भी बहुत बड़ा होता रहा बाहर मंडी हाउस में एक अच्छा खासा नाम भी कमाता रहा मैं रंगमंच में बैरी के साथ भी रहा बाहर में अपना ग्रुप भी बनाया एन के शर्मा के साथ मिल गए जिसे बाद में एक्ट वन नाम से जाना गया बहुत बड़ा ग्रुप बना वो और बहुत नाम कमाया मैंने रंगमंच में लेकिन एनएसडी जो है उसने चार बार चार बार उसने मुझे नहीं लिया एक कोई किताब बननी चाहिए कोई तो लिखे कि कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो टॉप नॉच बन गए जिसे एन ने कहा नहीं भाई यू आर नॉट आवर वर्थ आवर वाइल है ना कोई किताब ऐसे बहुत अच्छा एनएसडी एन के साथ में कमाल है कि मैं उस संस्था का और उसके पूरे स्ट्रक्चर को मेरा अपना मानना है कि इस वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड और लेकिन उस समय में सिर्फ 18 लोगों का चयन होता था अब उन अठारह में कुछ सीट लड़कियों के लिए रिजर्व थी कुछ कुछ सीट uh, जो है एस सी के लिए रिजर्व थी और कुछ सीट फॉरेन कंट्रीज के स्टूडेंट के लिए रिजर्व थी ले देके बचते थे दस या ग्यारह सीट जिसपे की पूरी मार कटाई होती थी तो उसमें मेरा छट जाना रिजेक्ट हो जाना मुझे मुझे लगा कि बाद में मुझे लगा कि यार इसमें बड़ा इट्स नॉट अ कमेंट कि आपका टैलेंट के ऊपर बट नंबर्स के ऊपर तो Uh, नहीं ज़ूरी जो देख रही है वो सारी जूरी की राय अलग अलग होती है परफॉर्मिंग आर्ट को जज कर पाना बड़ा मुश्किल काम जी है। जी इसीलिए जब अवॉर्ड जो होते हैं वो अगर नॉमिनेशन चार लोगों का हुआ है टू से हु इज़ द बेस्ट इज एक्चुअली इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग उस दिन जिसका जिसकी कुंडली अच्छी होगी उसको मिल जाता है बेस्ट <laughs> बेस्ट एक्टर मिल जाता है जिसके ग्रह वगैरह सही चल रहे हो ठीक है इस वेरी डिफिकल्ट थिंग टू से कि चार अलग अलग जॉनर में हाँ। चार अलग अलग एक्टर ने अ, अपने प, बेस्ट दिए हैं तो उस अलग अलग जॉनर में आप कैसे ये कह पाएंगे कि ये ज्यादा बेहतर है या वो ज्यादा बेहतर है जिसकी कुंडली उस रात को सही चल रही है चलिए वो आ, शैंपेन का ग्लास उठाएगा <laughs> तो चार बार ही आप रिजेक्ट हो जाते हैं बैरी जॉन तो खुश होंगे कि चलो ये मेरे पास ही रहेगा हाँ मैं तो उन्हीं के साथ रहा ये कहीं नहीं जाएगा मैं सात आठ साल उन्हीं के पास रहा ओवर स्टेड इन इन डेली इन थिएटर लेकिन और मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से निकलूँ कैसे एक एक पॉइंट सेचूरेशन पॉइंट भी आ गया एक्ट वन और बैरी जॉन के साथ में लेकिन तब तक जो है बैंडेड क्वीन मिल गई जिसकी सारी कास्टिंग दिल्ली में हुई शेखर कपूर जी की एंड शेखर कपूर जी वन ऑफ़ द बेस्ट इन द फिल्म इंडस्ट्री उनके साथ काम करने का मौका मिला और उस पैसे से मैं सौरभ शुक्ला और निर्मल पांडे सारे लोग हम लोग मुंबई शिफ्ट हो गए पर क्या कास्टिंग थी बैंडेड क्वीन की जी आई मीन एंड आप आप कहाँ से वे डिड यू लर्न फ्रॉम दैट कि मैं शेखर कपूर लाइक आई ही वॉज अ मोल्डिंग एक्टर डायरेक्टर की मैं अपने हिसाब से एक्टर को काम कराऊँगा और वॉज एन ओपन थिंकिंग आप जिस तरह करना चाहते हैं नहीं, वो उनका कमाल था शेखर कपूर इसीलिए एक्ट्रेस डायरेक्टर माने जाते हैं वो कास्टिंग अपने विजन के हिसाब से अपने इंटरप्रटेशन के हिसाब से करते हैं हर का एक्टर की कास्टिंग लेकिन आ, जब वो सेट पे थे तो परफॉर्म करते हुए वो सिर्फ देखते थे और देखने के बाद वो एक्टर्स को एक अलग कॉर्नर में लेके जाते थे उससे बातें करते थे वो सिर्फ बातें करते थे okay. चाहे हो वो उस सीन के मुतल बात हो हाँ। या ना हो सिर्फ बातें करते थे और बात करते करते उस एक्टर को उस मूड में लेके जाते थे उस सीन के और हम मुझे, मुझे लगता नहीं है कि हम आ, मैं किसी ऐसे क्रिएटिव आदमी से मिला हूं जो ना सिर्फ क्रिएटिव हो बल्कि उतना उतना हाई सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म हो किसी में नहीं। नहीं। और उनका उनकी क्रिएटिविटी उनके अपने अध्यात्म से आती है एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि इफ आई डोंट सी द कैरेक्टर्स इन अ परफॉर्मेंस मी नॉट अ गुड परफॉर्मेंस अब उस उम्र में मुझे समझ ही नहीं आया <laughs> कि कैरेक्टर का स्परिचुअलिज्म हाँ। हाँ। का भी, अपना दिक, एक इस, दिक, एक मुल, भी। ना, क्या नाम था उसका मानसिक मल्ला का रोल किया था निर्मल पांडे ने निर्मल पांडे अच्छा हाँ तो अब कैरेक्टर uh, का स्परिचुअलिज़म जो है मुझे समझ ही नहीं आया कभी तो ये जाके समझ आया मुझे दस साल पहले जब मेरी अपनी स्परिचुअल यात्रा जो है शुरू हुई hmm. तब जाकर मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि कैरेक्टर का हर कैरेक्टर का एक स्परिचुअल कोर होता है जिसको एक्टर को समझने की ज़रूरत है दैट विल मेक द परफॉर्मेंस फार मोर यूनिक एंड फार मोर डिफरेंट एंड एजी मतलब एक कैरेक्टर को ही बताइए जहाँ आपने वो स्पिरिचुअल हर आदमी कहीं ना कहीं सीख कर रहा है हर आदमी चाहे वो एक वर्कर हो जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता हो या किसी फील्ड में काम करता हो चाहे वो रिक्शा वाला हो हर आदमी एक वैक्यूम को एक होल को फील करता है कि उसे ये जीवन क्यों मिला उसकी स्पिरिचुअल सीकिंग है वो अपने जीवन से जब हताश होता है या जीवन के के पूरे मायने उसको समझ नहीं आते यू यूजलेसनेस ऑफ द लाइफ को वो जब फील करता है दैट इज़ व्हेन द स्परिचुअल जर्नी स्टार्ट्स और उस वैक्यूम को वो उस स्पिरिचुअल क्वेस्ट को आप उसकी आंखों में देख सकते हैं उसके पूरे बीइंग में देख सकते हैं तब जा कर के मेरी स्पिरिचुअल उस ऑब्जर्वेशन जो एज एन एक्टर जो आदमी करता है जो तैयारी करता है या ऑब्जर्व करता है मेरी उस तरफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा शुरू हुई टू अंडरस्टैंड द स्परिचुअल कोर ऑफ द कैरेक्टर तो आप फिर उससे फिर आप बॉम्बे आते हैं बॉम्बे पचास हजार रुपये मिले थे बैंडेड कुइन से और आने के साथ यहाँ पर डीएन नगर नाम की जगह है जिसमें समय चौल का पूरा सिस्टम था तो मैं और सौरभ शुक्ला हमने एक कमरा लिया जिसमें मेरे ख्याल से बारह साढ़े बारह हज़ार के आसपास मुझे पगड़ी देनी पड़ी थी और दो हज़ार रुपये या ढाई हजार रुपये मेरे हिस्से आते थे आ, उसका किराया घर में बताया कि आप बॉम्बे आए नहीं नहीं घर तब तक तो मैं घर में सब कुछ बताता था कि मैं एक्टर उन्होंने देखा आपको बैंडेड क्वीन ने बैनिट क्वीन में उन्होंने बहुत बाद में जाके देखा था क्योंकि बैनिट क्वीन जल्दी रिलीज नहीं, नहीं हुई थी हाँ। और उनो, उनो सबने जो है सबसे ज्यादा जो मुझे देखा वो स्वाभिमान करके सीरीज आता था उसमें मेरी माँ मुझे देखती थी मेरे पिताजी देखते थे तो वो काफी गर्व उनको महसूस होता था तो उस समय उन्होंने मुझे पहली बार एक्टिंग करते हुए देखा था और उनको लगा कि कुछ ढंग का एक्टर चल डॉक्टर नहीं तो चलो ये ठीक है मतलब खा कमा रहा है बस हाँ। क्योंकि छह बच्चों का परिवार था हाँ। मेरे पिताजी की इंटरेस्ट सिर्फ इतना था कि सब लोग अपना खाएं खाएँ कमाएँ हाँ। मुझसे कुछ न मांगें क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ है ही बचा ही नहीं है हाँ। सो उन उनका कंसर्न वहाँ तक था कि सब लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं और खा कमा रहे हैं उसी में उनको खुशी मिल जाती थी और उसके बाद बाकी की जर्नी आपके सामने क्रिएटिव तो पर्स्यूट में डिड यू लाइक स्वाभिमान और डेफिनेटली जब मैं स्वाभिमान मैंने किया था तो अपने uh, मन के विपरीत जाके काम किया था क्योंकि तो उस समय सिर्फ uh, वो कैरेक्टर सिर्फ 18 एपिसोड तक रहने वाला था या 12 एपिसोड और uh, मैं करना नहीं चाहता था लेकिन मेरे बहुत ही जिगरी दोस्त थे अशोक पुरंग हुँ. वो मुझे जबरदस्ती लेके गए उन्होंने कहा तेरे पास तो भू भूखा रहता है यहां पे तेरे पास पॉकेट में पैसे नहीं है मनी विल गिव यू फ्रीडम लवली मनी विल गिव यू फ्रीडम टू मूव अराउंड टू टू डू यू टू डू एंड ही लिटरली ड्रैग मी टू द ऑफिस ऑफ प्लस चैनल विच वॉज ओन्ड बाय अमित खन्ना अमितियर फ्रॉम दैट अमित खन्ना नेॉरवर्ड लुकिंग लुकिंग क्वाइट ए जेंटल मैन वहाँ से मेरी मतलब थोड़े थोड़े पैसे आने शुरू हुए थे तो जीवन थोड़ा हसीन लगने लगा था फाइव स्टार्स वगैरह के कॉफी शॉप में जाके बैठ पाते थे हम लोग hmm. uh, और वहाँ की बात तो जर्नी आपको पता है जो जिस Aray, सत्या, पे है. You, like <laughs> सत्या पे आते हैं जी आई टोल्ट सत्या which आते हैं said that uh, ये जो uh, आपके बारे में के के मैनन ने कहा दैट ही सेट दैट इट वॉज सो ब्रिलियंट इफ इट नॉट फॉर मनोज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन सत्या एक्टर्स लाइक इरफान एंड मी माइट स्टिल बी वेटिंग टू बी एक्सेप्टेड मनोज ओपन द डोर्स फॉर अस बहुत बड़ी बात कही उन्होंने बिकॉज यू आर ऑल्सो स्टार्टिंग आउट काइंड ऑफ जस्ट मेकिंग इट इन योर लाइफ लेकिन आप जिस तरह आपने वो कैरेक्टर निभाया भेकूमात्र का इट वॉज लाइक आइकॉनिक राइट अवार्ड भी मिला आपको right. उस टाइम आपको लगा कि हाँ दिस द्रीम द्रीम नहीं नहीं मतलब जो सत्या जिस तरह से रिसीव हुआ उसकी कल्पना तो आ, मतलब आप छोड़ दी हमने उसके एक परसेंट भी हमने कल्पना नहीं की थी हमने नहीं सोचा था कि हमें ट्रायल्स वगैरह में हमें पता चल चुका था कि हम हम एक अच्छी फिल्म के हिस्सा हैं और मेरे परफॉर्मेंस को की बहुत तारीफ हो रही है बट फॉर दी ऑडियंस टू रिसीव इट इन सच अ वे इट वॉज यू फोर इक आउटसाइड आई मीन गेटिंग आउट ऑफ माई ओन हाउस आई वॉज आई यूज टू से इन अ वन बेडरूम फ्लैट एंड गेटिंग आउट ऑफ माई ओन हाउस इन वॉज वॉज अ डिफिकल्ट थिंग फॉर मी एंड मेरे पास में गाड़ी नहीं थी और माई वॉलेट वॉज नॉट दैट थिक तो मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू बी वॉट आई एम क्योंकि मुझे जो ब, उसके बाद रोल्स ऑफर हो रहे थे सारे के रोल ऑफर होते थे मैं लेता नहीं था बिकॉज हमारी इंडस्ट्री क्या एक चलन रहा है कि जो भी एवरेज लुकिंग है वो विलन बहुत अच्छा बन सकता है <laughs> और जो हाँ। जो कन्वेंशनली फेयर आदमी है वो हीरो के लायक है हाँ। तो एक एक तो अल... वो तो मोल टूट गया शुक्र है मतलब आपने इरफान ने इन सब ने मिल वो वो उसको तो खारिज कर दिया ना इसलिए कि हम लोग इमिजिएटली उन ऑफर्स के को हमने लिया नहीं वी वर वी और इरफान और के के ऑल ऑफ वर व्वाइट अ हार्ड नट उस तरीके टफ नट हम लोग थे बट टफ नट होना मुश्किल है न जब जेब खाली है जेब खाली है लेकिन uh, uh, कहीं कही ना कहीं uh, हम तीनों में एक कॉमन uh, चीज़ थी कि यार वो खाली जो है ना वो बर्दाश्त है huh. वो ह्यूमलियशन uh, से सेट पे उस ह्यूमलिएशन से ज़्यादा बेहतर है कि ये जेब खाली रहे Okay. and it's better to chase your own dream mm. than to live somebody else's dream so uh, and it's it, it and if kk says that i um, I love him for saying this but yes somewhere uh, i would agree that if satya didn't happen if Bhikumathre didn't happen i would have ended up nowhere Uh, hmm. I wouldn't have no way. I, my, 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 I owe my career to Satya and Biku Mahatre. Hmm. Uh, Mumbai B ka Mumbai ka Raja Mumbai ko? ka King kaun? So ha. it was everything. Everything that happened after that, you know, Satya gave me a career. बाद में मुझे ये पता चला कि सत्या ने न सिर्फ मुझे करियर दिया बल्कि जो लोग पार्ट नहीं थे उनको भी करियर दिया I mean, the, see, the, in Kekis words only. Uh -huh. I mean,

डेकेट के बाद एक चेंज होता है एंड सत्या ब्रॉड दैट चेंज टू द इंडस्ट्री विच वाज थ्राइविंग ऑन फार्मूला विच वाज थ्राइविंग ऑन सॉन्ग एंड डांस विच वाज थ्राइविंग ऑन यू नो अ वेरी कन्वेंशनल काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग तो सत्या ब्रॉड दैट चेंज एंड पीपुल इट अप उसके बाद पूरा रियलिज्म जो हमारे सिनेमा में आया फिर उसके बाद अनुराग कश्यप और दिवाकर बैनर्जी टाइप के बहुत सारे फिल्म दे टुक द रियलिज्म टू टू अनदर लेवल है ना तो इंडस्ट्री केप्ट ऑन चेंजिंग वेरी रैपिडली आफ्टर दैट और उसके बाद टेक्नोलॉजी भी बहुत जल्दी जल्दी रैपिडली चेंज होती गई हाँ. इंटरनेट जितना चेंज होता गया

आगे नहीं बढ़ पा रही थी बिकॉज देर वॉज अ सोनामिकल मिस्टर अमिताभ बच्चन ओके हु हु बिकेम यू नो एन एस्पिरेशन फॉर ईच एंड एवरी पर्सन एंड एंड ही हु बिकेम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंगर विच वॉज यू नो विच वॉज प्रेवलेंट इन द सोसाइटी तो उसके सामने uh, किसी का भी टिक पाना बड़ा मुश्किल काम था अमिताभ uh, बच्चन hmm. जी के सामने और उनकी सिनेमा के सामने वो जिस तर जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो जो पूरी पॉपुलेशन थी hmm. उन उनके पूरे एंगर से उनके पूरे परसोना से रिलेट कर रही थी hmm. या फिर वो वो देख रही थी कि दिस इज व्हाट वी वांट टू तो बिकम hmm. और उसमें पैलेस सिनेमा एक बहुत ही छोटे तरीके से बट स्टिल इट वाज ट्राइंग टू रजिस्टर इस प्रेजेंस यू नो बट जितना चले वो लोग उतना चले लेकिन आफ्टर अ पॉइंट इट

पर आप लोगों के लिए ऐसा नहीं हुआ नहीं, आप के नहीं लिए? हमारे लिए कभी ऐसा नहीं हुआ हाँ. हमारे लिए वट हैपन दैट देर सम वेरी यंग फिल्म मेकर्स लाइक राम गोपाल वर्मा एंड लेटर ऑन अनुराग कश्यप एंड एंड दिवाकर बनर्जी सो मैनी अदर नेम्स दे वर लुकिंग फॉर फॉर एक्टर्स फॉर देयर फिल्म एंड दे एंड दोज एक्टर्स एंड वी वर ऑल coming in the in the same time hmm. and you know uh, so somewhere uh, we all empowered each other you, you know, know there's this fun film i remember uh, zubeda mein you played the role of a raja now you it was not something that one would imagine a Manoj right, Manoj right. you understood wo, wo jo rajsi uh, shano Shaukat, right. how right. did you get that I, I uh, it was alien to you no, so it was was I, have never, no ah. I have never seen that culture I have never stepped into any palace Haan. never had dinner uh, on their can, dining silver table nothing. Jo mein. Nothing. nothing I told Mr. Shambanigal that you know why you are taking me I I don't look like any prince I uh, you know I am not exposed to that life so he took out one photograph which was the photo of uh, of a prince from some and he and he kept you know just put it in front of me he said do, do you think he's better looking or you are better looking just look yeah. at the photo hmm. so he that's what he told me he said you know i am not making a commercial film i'm making Zuveda. and i'm make, making a film on a real prince hmm. so they, they are not calendar calendar boys hmm. They are real prince. They are like us, but their legacy is, is different. What was it like working with Sham Benegal? Up by now, you've acted. You know, yeah. by the time you got this yeah. role, you've acted with very good act, uh, well, directors. Very, very good. Sham Benegal's style kuch alag tha, very different. Yeah? I mean, he was. Sham Babu is someone who, uh, even if he's not directing, and you are listening to him talking to somebody else, you are learning. He's a treasure.

Huh. How should I say my lines? How should I get up? Uh, what should be my posture? Huh. Uh, how the make makeup should be done on me? And what should be my walk? stiffly. Yeah, what should that be my means. walk? Huh. Uh, and every morning, 5 o'clock, I used to be in race course, learning horse riding. Uh, all the polo shots that you see in the film. You did it. I did it. I learned po polo playing. And it was dangerous. Huh. It was dangerous, but I had to work huh. very hard. To huh. do those uh, uh, shots uh, for the film. Did you like doing these things? That Oh, definitely, definitely. Definitely. I mean, this is the perks of being an actor. Hmm. You get to uh, go to so many places that you've never been hmm. to. You get to meet thousands of people every day. Hmm. You know, get get an opportunity to work with. Uh, so many, so many individuals—not only actors, but the assistant directors and the sport boys and light men. So many people who you are interacting with every day, um, uh, apart from you know, j just moving from one place to another, living in different, different places. Is is such a is such so, a huge park. So you're playing the role of a Raja Maharaja. you have many where you are a 4G you are hmm. a police guy. <laughs> Hmm. That, uh, I mean, especially Ayari, which I saw recently, it was so fabulous. Uh, it's as if you've, you have, you're from a family of a Foddy. The kuch bhi aap mein, aapke acting mein kuch bhi fake nahi lagta, you know, the way you do it. Uh, now it's become like you expect, ki pe movie banegi to Manoj <laughs> okay, usme. You, you perform that perfectly. Uh, Thank you so uh, d do you like doing those roles i like you know being part of uh, authentic scripts okay. if you if you ask me what i like hmm. i like being part of uh, the endeavor hmm. uh, you know of uh, some great creative people like neeraj pandey hmm. okay i the, these uh, i am always looking for directors who can challenge me hmm. uh, directors who can take me out of my comfort zone. Hmm. You know, directors whose work excite me. Uh, I'm more interested in evolving as an actor till till I work. The day I feel that you know I I'm not interested in evolving. I'm only interested in, in in going on the set and doing my stuff and get out from there. I leave the job because I'm just purely in love with this craft called acting. I just love this the profession. creative process. the whole process. Uh, you know, people say, uh, uh, people ask me many times, uh, does it affect you that the film has failed? Does it affect you that the film? Uh, how do how do you respond to the success of uh, this film or that film? I, to tell you, I'm being very honest and candid when I say this that I I I just love this whole process of acting. After that, it is not in my hand. To so success, success yeah, awards. नहीं कोई अवार्ड सक्सेस अब अब तो बिल्कुल नहीं बिकॉज समटाइम इट रियली बॉदर्स मी वेन वेन अ ग्रेट फिल्म लाइक गली गुलिया और से भोसले फॉर दैट मैटर दे डोंट फीचर इन दिस मेन स्ट्रीम अवार्ड्स दैट बॉदर्स मी दैट बॉदर्स मी बिकॉज इट समेर क्वेश्चन द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस अवार्ड्स फॉर मी और नॉट ओनली माई फिल्म और एनी अदर फिल्म ऑफ एनी अदर एक्टर और डिरेक्टर If I feel that you know these uh, th that particular film or that particular p performance deserves uh, a certain amount of re recognition, and if they don't get it, it bothers me. Hmm. Uh, but it bothers me only till a point. After that, hmm. I'm, b you know, I'm. It's like picture why didn't people look? Yeah, I mean, sometimes yes, sometimes I you know I used hmm. to be I used to feel puzzled hmm. or perplexed why people are not choosing. Uh, you know, good films over big films. Hmm. So it puzzled me, it perplexed pu me. Uh, Rajneeti, also, such a fabulous But That star has guard. done well. Uske baad, but initially, thoda there was a period that blockbuster was bani. But it took a while and then it became like fabulous. Yeah, some, some p every film's journey is different. Uh, but sometimes a great film doesn't take off at all. Okay. <laughs> you know, Haan. that uh, that completely bothers you. That,

अच्छा रेकलेसनेस कहते हैं आप बिकॉज कुछ करना uh, नहीं, है नहीं बिकॉज अनुराग इज लाइक दैट अनुराग क्रिएट्स ओनली व्हेन ही इज क्योटिक इन हिज माइंड अच्छा यू नो एंड एंड दैट इज व्हाई आई लव हिज क्योस मेनी पीपुल यू नो फाइंड हिम वेरी वेरी यू नो मूरियल समटाइम और समटाइम वेरी मूडी और समटाइम Uh, not so organized, but I love it. Whose disruption, may creativity. Yeah, he's, he he cannot create hmm. if there is no chaos in his mind. Huh. If he is not surrounded by 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 what you call by doubts, conflicts, you know, if he is not uh, surrounded by that, he can cannot create. And gangs of Vasipur or Devdi happened because because of his own chaos. Hmm. And and I, you know, sometimes when.

कि वी कान डिक्टेट हिम यू नो ही विल डू वॉट ही वॉन्ट्स टू डू इसको मरने दो साले को <laughs> ये ये खत्म हो जाएगा अपने आप ही खत्म हो जाएगा ये है ना तो <laughs> लोग गाली दे देंगे अब तो खैर वो गाली देने पे भी जो है एनर्जी वेस्ट नहीं करते नहीं नहीं क्या पे आके गाली दो दैट इज इट हैज बिकम आई हैव सीन इवन इन द लाइक व्हेन यू आर इन वन ऑफ द आई डोंट रिमेंबर विच वन आई रिसेंटली सो एन विच आर ड्राइविंग एंड वो जिस तरह आपके मुंह से वो गाली निकलती है सेट माई गॉड आई एम दिस मैन मैं भी जब दिल्ली में ड्राइव कर रही होती हूँ वो फटाक से गाली निकलती है कि क्या मतलब अपने बच्चों को भी ही लाइक्स इट इट जस्ट कम्सरलीट बट यू नो मुझे बहुत सारे लोग गाली पे अलग अलग ढंग से रिस्पोंड करते हैं और hmm. uh, मैं गाली को कभी भी उस तरह से रिस्पोंड नहीं कर पाता हूँ डिसगस के साथ बिकॉज हम लोग बचपन से जब बड़े हो रहे थे तब तो हम आस पास में घरों में मतलब यही सब देखा है सुना है uh, तो कभी मुझे लगा नहीं कि गाली हमारे जीवन का हिस्सा नहीं रही है और जब सब जब सिनेमा में गाली होती है तो अचानक से लोगों के जो नैतिक पक्ष हैं ऐसे उ, उफान मारते हैं वो मुझे समझ में नहीं आता है वो मुझे कतई समझ में नहीं आता है कि घर में या समाज में बाहर में हाँ। आप अगर आपके घर में गाली नहीं देते हैं इज़ फैंटास्टिक आई एन वी यू लेकिन जैसे ही आपका बच्चा घर से बाहर निकलता है वो आके बताता तो नहीं है कि वो गाली दे रहे थे वो गाली दे रहे थे वो सब कुछ सुन रहा है जज्ब कर रहा है कुछ सीख रहा है कुछ नहीं सीखता है लेकिन उसको आप उसका कान कैसे बंद कर सकते हो कि भाई अभी जब गाली आई तो अचानक से उसके ठेपा लग गया ऑटोमेटिक ऐसा होता नहीं हुँ. समाज में अलग अलग तरीके से लोग हैं और कहानियाँ वहीं से निकलती हैं सोसाइटी से ही निकलती हैं कहानियाँ नहीं नहीं तो आप सिर्फ मार्बल की फिल्में बनाते रहिए यू नो वी वर टॉकिंग अबाउट योर 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 इन अ अ फौजी आप फिर वो यू टेक दैट नेचुरल कोर्स जब आप पॉलिटिशियन बनते हैं इट्स एज इफ यूर बॉर्न इन टू पॉलिटिक्स और दूर दराज तक कोई पॉलिटिक्स में नहीं था आपके फैमिली हाँ लेकिन आप बिहारी आदमी हो <laughs> तो <laughs> पॉलिटिक्स वो ब्लड में है ब्लड में है हमारे हाँ। हम आ, सुबह की शुरुआत अखबार पढ़ने से आ, हमेशा होती है होती रही है बचपन में हम जब बहुत छोटे थे बारह साल की उम्र के थे, तो हम तो खुद अखबार नहीं पढ़ते थे लेकिन पिताजी कहते थे पढ़ के सुनाओ अच्छा या बड़े बाबूजी बोलते थे इधर आओ इदर ये जरा ये ये पढ़ो जरा सा क्या हम हम ज़ोर जोर से पढ़ते थे तो हमारी आ, हमारी ट्रेनिंग ऐसी ही हो जाती थी और फिर ज़ोर ज़ोर से बहुत ही वॉलेटाइल डिबेट्स जो खानदान में होते थे एक एक इस पार्टी का था एक दूसरा पार्टी का बस आपस में जो वॉलेटाइल डिस्कशन डिबेट्स होते थे विच यूज़ एंड अप नो फिर भी एनिमेटेड जो है तो वो पॉलिटिक्स इसलिए की दुनिया बदलने हाँ, वाली है आपके उस डिनर टाइम डिन में सरकार बदल जाती सरकार सरकार बदल बदल <laughs> हाँ, बदल उसी वक्त हाँ, 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 देते दे थे लोग हाँ, सारी मिनिस्ट्री चेंज हो जाती थी <laughs> <laughs> पर बॉम्बे में अलग ही किस्म का वर्ल्ड है ना पॉलिटिक्स से बिल्कुल ही कोई नाता नहीं है नहीं उस समय तक हम लोग भी उसके बहुत ही इंटरेस्टेड रहते थे लेकिन मुंबई शहर एक अलग कैरेक्टर है मुंबई शहर का अपना और यहाँ अगर आप मुझसे पूछें कि अब मैं कितना इंटरेस्ट मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है अब, अब क्योंकि एक शहर का ये इस शहर का कैरेक्टर ऐसा है कि आप इसमें ढल जाते हैं हम, हम लोग आप ढल जाते हो इस, इसमें अब इतने साल हो गए यहाँ भी रहते हुए अब तो लगता ही नहीं कि हम किसी और जगह के हैं अब लगता है कि हम यहीं के हैं और जीवन सुब, सुबह शुरू होती है और शाम को ख़त्म होती है तब तक आप सिर्फ़ भागते रहते हो अपना काम किसी तरीके से ख़त्म करने में लगे रहते हो उसमें राजनीति की कोई गुंजाइश ही नहीं है तो राजनीति में इंटरेस्ट ही नहीं है क्योंकि जब आप एक्ट करते हो तो ऐसे लगता है जैसे कि यू आर अ पोलिटिकल पर्सन हाँ क्योंकि वो जो बचपन में या बड़े होते तक जो हमारी ट्रेनिंग मिली वो सब हार्ड ड्राइव में ऐसी गई हुई है उसको <laughs> आप निकालते हैं जी निकालते हैं फिर दिल्ली में मैं ग्रेजुएशन किया दिल्ली में थिएटर किया Uh, काफ़ी पढ़ाई लिखाई लोगों से मिलना डिस्कशंस में भाग लेना डिबेट में भाग लेना सारा अब काम आता है और हमारे इतिहास के स्टूडेंट रहे इतिहास हैं, का तो। स्टूडेंट रहा हूँ हाँ। तो ये सब काम आता है सारा कुछ काम आ जाता है हमारे तो वैन यू स्टार्ट एमोटिंग आपको पता नहीं कि कहाँ मतलब दिमाग के किस हिस्से से आप वो क्रिएटिविटी ले आते हैं फिर? नहीं वो पहले तो आप तैयारी तो जरूर करते हैं क्योंकि मैं इमीजिएट इस्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता हूँ अच्छा मुझे उसके लिए अगर मैं कैरेक्टर पे पूरे तरीके से प्रिपेयर कर लेता हूँ hmm. उसके बाद देर आर फ्यू थिंग्स फ्यू सरप्राइजेज दैट हैपन बट दैट हैपन्स ओनली बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड दैट कैनॉट हैपन इफ आई एम यू नो हाफ प्रिपेयर्ड और नॉट प्रिपेयर्ड और एकदम से कैमरे के सामने जाकर डायलॉग बोलना शुरू करूँ तो कुछ भी नहीं होगा फिर तो uh, डायरेक्टर बोलेगा कि किसी तरह से काम निकाल लो अगले में नहीं रखेंगे इसको इस शहर में वो क्या खासियत है जो जहाँ से भी लोग आते हैं वो इस 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 एरिया के इसमें ढल जाते हैं और अपना पहले का वजूद भूल जाते हैं या फिर इस इस शहर की सबसे बड़ी खासियत ये दो तीन चीज़ें एक तो अपना एक कल्चर है इसका कल्चरल एक सीन है जिसको लेकर के लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हैं और बहुत मन से उस उन सारे उस कल्चरल पूरे सीन को लेकर के डेडिकेटेड हैं उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कोई आपसे ये नहीं पूछता है कि आप कितना कमाते हैं कौन जात के हैं कहाँ से आए हैं कौन है आपके माँ बाप क्या आपका सरनेम है कुछ नहीं आप कितने प्रोडक्टिव हैं कितनी आपकी काबिलियत है और कितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आ, उनके, आ, अपने उनके अपने प्रोडक्शन में उनके अपनी कंपनी में उनकी अपने, अपने संस्था में ये लोग आप देखते हैं इसके अलावा कुछ नहीं देखते हैं। और मेरे ख़्याल से शायद इसीलिए लोग जो हैं यहाँ आ कर सब सब के सबको सबको काम काबिलियत और मेहनत के हिसाब से वो दर्जा हासिल हो जाता है वो कही कहीं ना कहीं पहुँच जाते हैं ये इस शहर की सबसे बड़ी खासियत है बट एट द सेम टाइम उसके साथ एक इम्पर्सनल क्वालिटी भी आती है वो एक पक्ष ये है तो उसका दूसरा पक्ष ये भी है कि ये शहर थोड़ा इम्पर्सनल है इसको बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है इसको सिर्फ ये लेना देना है कि आप कितना कितने प्रोडक्टिव हैं और जिस दिन आप प्रोडक्टिव होना बंद करेंगे जैसे मेरा हमेशा मानना है कि ये शहर बच्चों और बुजुर्गों के लिए नहीं है इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पार्क बहुत कम है तो जाहिर सी बात है बच्चे खेलने कहाँ जाएंगे? तो बच्चे प्रोडक्टिव भी नहीं हो सकते बच्चों का तो काम है सीखना जानना ज्ञान लेना और बुज़ुर्ग वो अपना प्राइम जो है देख चुके हैं अब उनका शरीर जवाब दे चुका है तो वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकते हैं है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि एक समय तक काम कीजिए उसके बाद उत्तराखंड में अपना घर देख लीजिए या किसी गांव में और वहीं अपना रिटायरमेंट गुजारिए क्योंकि आ, बड़ा शहर कॉस्मोपोलिटन शहर चाहे वो मुंबई हो चाहे न्यूयॉर्क हो यहां पे बूढ़े लोगों के लिए कोई जगह नहीं है तो जब आप कंपेयर करते हैं दिल्ली और मुंबई क्रिएटिविटी आपने दोनों जगह की हाँ बॉम्बे में ज्यादा की क्योंकि आप यहीं पे फिल्म लेकिन मेरा मेरी पूरी लर्निंग दिल्ली में हुई दिल्ली में दिल्ली के थिएटर सीन ने मुझे बहुत दिया या दिल्ली दिल्ली डेली यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुझे न सिर्फ ज्ञान दिया मुझे मुझे पढ़ना लिखना सिखाया मुझे व्यवहार सिखाया मुझे रंगमंच सिखाया और दिल्ली के रंगमंच से मैं, मैं मैंने सारे क्राफ्ट सीखे और अच्छे अभिनय को, को करना और देखना और अप्रिशिएट करना सीखा तो जो भी मैं कर रहा हूँ वो सारा कुछ जो सीखा वहाँ था उसको मैंने आगे बढ़ाया है तो सीखने का काम मैंने हमेशा वहाँ से किया अगर आप और यही मैं मैं एडवाइस सारे यंगस्टर्स को देता रहता हूँ मुंबई में रह के मत सीखिए क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है यहाँ पे आप थोड़े भी अच्छे होंगे किसी प्रोडक्शन में काम मिल जाएगा पैसा ठीक ठाक सा होगा क्योंकि आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे और वो काम जो है आपको ठीक ठाक पैसा दे रहा होगा तो आप सीखने से ज़्यादा उस पैसे को कमाने में लग जाएंगे लेकिन अगर आप सीख के आते हैं यहाँ पे तो आपकी यात्रा बड़ी लंबी जाएगी अब बिहार से लोग आते हैं आपसे बात करने पूछने के लिए कि हम कैसे बने एक्टर मैं बिहार से है? भी आते हैं और बाहर से भी और मैं कभी कभी एन जाता हूँ वर्कशॉप लेने के लिए या फिर किसी और संस्था में जाता हूँ वर्कशॉप लेने के लिए वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब मिलते हैं पूछते हैं बातें करते हैं जो अच्छे हैं काबिलियत काबिल हैं उनके साथ संपर्क लगातार बना रहता है मेरा उनको ढाढ़स देना दिलासा देना कि सब अच्छा हो जाएगा या उनको एक राह दिखाना किसी तक पहुंचाना, ये काम मैं कर देता हूँ क्योंकि आ, बहुत से लोग कहते हैं ना कि एक एक लेवल पर पहुँच कर एक मकाम पर पहुँच कर लोग नीचे नहीं देखना चाहते कि कहाँ से किस सीढ़ी से ऊपर चढ़ के आए थे सो सक्सेसफुल पीपल मेंटर्स बनना ज़रूरी है उनको फॉर जूनियर्स है ना मैं मैं तो हमेशा रहा हूँ इसलिए और क्योंकि वर्कशॉप में लगातार कंडक्ट करता रहा हूँ अभी भी करता हूँ जब भी खाली मौका लगता है उसी एनएसडी में ना ना वो एन देखिए मैं एनएसडी की लग करके मेरे जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत ही सम्मान की नज़र से देखता हूँ और मैं मैं तो मैं, मैं तो निवेदन करूँगा कि ऐसे एन सारे स्टेट्स में खुलने चाहिए ताकि सारे जो टैलेंटेड लोग हैं उनको एक संस्था में काम करने का मौका लगे सीखने का मौका लगे क्योंकि बाहर में रोजी रोटी कमाना और सीखना बहुत मुश्किल काम मुश्किल होता काम, है मुश्किल काम, जी। और हर कोई मनोज वाजपेयी नहीं है कि यह काम दोनों काम जो है और उसी तरीके से करता रहे लगातार करता रहे भूखे पेट होकर के करता रहे और भूखे पेट होकर के करना कोई जरूरी चीज नहीं होनी उसको रोमांटिसाइज उसको रोमांटिसाइज करने की जरूरत नहीं है ये दिक्कत वाली बात है किसी को भी सीख जो कोई भी जो सीखना चाहता है उसके लिए एक संस्था हो जहाँ पे वो सीख सके जहाँ जहाँ पे उसका पेट भर सके हुँ. और वो लगातार पढ़ाई कर सके या ज्ञान हासिल कर सके इसकी ये सुविधा हर किसी के पास होनी चाहिए आप इतने सारे सक्सेसफुल एक्टर्स टैलेंटेड एक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं हु इंस्पायर्स यू इवन इफ इट वुड बी यंगर पर्सन ओल्डर पर्सन विच ग्रुप ऑफ एक्टर्स अगर आप If you have to pick Nawazuddin Siddiqui, I'm sure is one of them. Nawaz started on. with my play. Yeah. Uh, when I was doing theatre in Delhi, I love him. I simply admire him and his journey uh, as an actor. Irfane. Irfan. Uh, Irfan. has inspired so many. Uh, uh, you know, so many actors. Uh, such a brilliant actor that Taboo. he was. Tabu. is there. K.K. Menon. K.K. Menon's craft is impeccable. Hmm. Uh, एंड uh, तो ये लोग तो मेरे समय के हुए आ, मेरे साथ के हुए लेकिन आगे में जैसे विजय वर्मा है या राजकुमार है जयदीप है ये सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी और भी बहुत सारे हैं आ, कुछ एक्टर्स ने मेरे साथ काम किया जैसे सनी हिंदुजा है हुँ. बहुत अच्छा एक्टर है एक जतिन करके लड़का है हुँ. बहुत ही बढ़िया एक्टर है हुँ. Uh, ऐसे बहुत सारे हैं लड़कियां हैं बहुत सारी है hmm. रसिका बहुत अच्छा काम करती है hmm. और रसिका दुगल आई थिंक शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड ओ टी टी प्लेटफॉर्म इज गिवन सच अ ओपनिंग टू ब्रिलियंट रेंज ऑफ एक्टर्स जो main. पहले नहीं थे बिल्कुल नहीं था अब हाँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ हमारी सिनेमा में इतनी औकात नहीं थी कि इतने टैलेंट ताल, इतने को काम दे डायरेक्टर्स नहीं। प्रोड्यूसर्स नहीं। बिल्कुल नहीं, नहीं।, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। आज कोई भी अच्छा जो क्रिएटिव आदमी है चाहे वो परफॉर्मर है या फिर एडिटर है वो या कैमरा है या डिरेक्टर है कोई खाली नहीं है हर कोई काम कर रहा है सबके सब, के सब ए, बिजी हैं, काम कर रहे हैं ओ टी टी है आपको इंटरनेट पे कितना कॉन्टेंट बन रहा है हुँ. फिर आपको थिएटर व्यूविंग है तो कुल मिला जुला करके कि कि किसी के पास समय नहीं कोई है, खाली नहीं बैठा कोई खाली नहीं बैठा हुआ। हाँ, एंड वो जो पहले होता था ना फोटो लेके एक प्रोड्यूसर के पास दूसरे के पास जाके फोटो कास्टिंग डायरेक्टर का काम बढ़ गया है कास्टिंग डायरेक्टर्स बहुत सारे कास्टिंग तो मुझे फोन करते हैं जो मेरे जानने वाले हैं hmm. कि इस उम्र का एक लड़का या लड़की चाहिए और इस ऐसा दिखता हो कोई है क्या अच्छा एक्टर वो मुझसे पूछते okay. <laughs> हैं okay. no, right? yeah, तो हमारे सत्या करने के बाद दस महीने घर पे बैठे क्योंकि ढंग का काम नहीं है हमारे पास में पर आप कॉम्प्रोमाइज करने को भी तैयार नहीं थे नेगेटिव रोल्स नहीं करना चाहते थे वो सब मतलब तो कोई भी एक्टर क्यों करना चाहेगा जो उसके उसके ड्रीम में जो चीज़ नहीं है उसका ड्रीम कुछ और है और आप कुछ और दे रहे हो उसका मन है आलू पर, आलू परोल की सब्जी खाने का आप कह रहे हो नहीं आलू आप, पनीर की सब्जी खाओ तो उसका मन है मटन खाने का आप कह रहे हो नहीं नहीं आज आज जो है कोफ्ता बना रही हूँ आई है नेपोटिज्म की बात जब चलती है दैट यू नो डोंट देर इज़ अ ग्रुप कि हम उन्हीं को एक्टिंग उन्हीं को रोल्स देंगे और फलां की पिक्चर उस दिन नहीं निकलेगी क्योंकि मेरे भतीजे की पिक्चर उस दिन निकल रही है ये ये कौन ये प्रैक्टिस चलता था बोलने को तैयार नहीं है लोग बट इट वॉज एन अनसेट थिंग ये चलता था नहीं देखिए बोलने को क्यों नहीं तैयार है भाई देखिए नेपोटिज्म ये बड़ी बेकार की बहस है मैं हमेशा कहता हूँ ये बहुत ही बेकार की बहस है क्योंकि ये एक प्राइवेट इंटरप्राइज है फिल्म इंडस्ट्री हियर और एनी वेयर एल्स एक प्राइवेट एंटिटीज जो हैं वो पैसा लगाते हैं hmm. और इसलिए जब फ्रेटर्निटी आप बोलते हो उससे मुझे दिक्कत है फ्रेटर्निटी नहीं है हम सब स्कैटर्ड अलग, अलग अलग जगह काम करते हैं हम कोई फ्रेटर्निटी नहीं है सब hmm. अलग अलग जगह काम करते हैं कुछ लोगों से किसी का दिल मिल जाता है तो हम लोग साथ में उठते बैठते हैं और जिसके साथ में काम नहीं करते हैं या जिसके साथ दिल नहीं लगा उसके साथ उठते बैठते नहीं लेकिन प्राइवेट एंटरप्राइज है अगर वो मेरी जगह पे वो किसी अपने ताया जी के लड़के को लेना चाह रहा है तो मरे <laughs> <laughs> मैं उसका पैसा है <laughs> मैं क्या अगर वो करना चाहता है तो करे भाई मुझे पैसा उसका है वो लगा रहा है दिक्कत कहाँ पे आती है कि जब एग्जीबिशन में जब एग्जीबिटर भेदभाव करते हैं तब दिक्कत वहाँ पे आती है अगर किसी को सौ स्क्रीन दे रहे हो तो कम से कम मुझे पच्चीस स्क्रीन तो दो हुँ. और मेरे पच्चीस स्क्रीन को अगले हफ्ते उसको भी उसको, उसी को दे दोगे तो मेरी फिल्म का क्या होगा हाँ। तो जो जितना पावरफुल होता है वो अपने पावर को विल्ड करता है हाँ। वो तो वो खेल तो हर जगह होता है तो हमें फेयर हम फेयर होन, होने का फेयरनेस की डिमांड सिर्फ एक इंडस्ट्री से नहीं कर सकते हैं लाइफ इज नॉट फेयर है हाँ ना खैर वो क्यों नहीं है उस पर वो एक आइडियल है जिसको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए इफ़ लाइफ इज़ नॉट फेयर ट्राई टू अचीव दैट आइडियल नहीं तो बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि ट्विटर पे कुछ और लिखते हैं और अपने काम की जगह पे जो है बिल्कुल <laughs> ही फेयर नहीं है hmm. तो, तो वो भी तो एक बहुत बड़ी ए, चीज़ एक है। एक कॉन्ट्राडिक्शन होता है लेकिन अब वट आई ऑलवेज यू नो ट्राई टू कन्वे टू पीपल दैट इफ़ यू आर आस्किंग फॉर फेयरनेस आस्क फॉर फेयरनेस इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ सोशल मीडिया से तंग है आप मुझे तो ट्विटर ने ऑलरेडी जो है मेरा हैक हो गया उसके बाद मैं अपने अकाउंट को ही लॉग इन नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं ट्विटर नहीं मुझे आउट किया हुआ तो आप संतोष है <laughs> एक एक जहाँ <laughs> पे आप खुश हैं और ट्विटर ने कह दिया है।, है और खुश है और ट्विटर ने कह दिया कि हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका ई मेल सही नहीं है आपका पासवर्ड तो बिल्कुल ही सही नहीं है और ई मेल को उसने खारिज कर दिया है तो ट्विटर ने मुझे जो है सोशल सो, सो, मीडिया से अलग कर दिया ये क्या रब्बा मैं जाना क्योंकि मैं कौन <laughs> मेरा, मेरा मैं कौन <laughs> <मेरे ही एकाँट laughs> ये तो कोई फिल्म का डायलॉग लग रहा है <laughs> या फिल्म का प्ले लग, वो लग रहा है स्क्रिप्ट कि मनोज आप yeah. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> okay. so, uh, कह रहे थे कि ये अवार्ड uh, में कभी कभी लगता था कि गुड फिल्म्स डोंट इवन फीचर

मेरी माता जी को उस समय उनका ऑपरेशन हुआ था तो वो हॉस्पिटल में थी और वो नहीं आ सकी थी लेकिन मेरे पिताजी को इन सब चीज़ों का बड़ा शौक़ था उनको तो उनको मैं वो मेरे कारण उन्होंने वो दिन देखा वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हाँ, राष्ट्रपति भवन में जा कर के वो बैठे और उन्होंने जो है पूरी मिनिस्ट्री को वहाँ आते देखा पूरा प्रधानमंत्री आते हुए देख रहे थे मैं जानता था कि एक किसान के मन में ये क्या क्या चीज़ें चल रही होंगी तो मैंने मुझसे ज़्यादा मैं उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि आज जो इनको खुशी मिल रही है यहाँ बैठ करके आ, मेरी खुशी उसके सामने बहुत छोटी है अगर मेरे कारण इनको मिल रही है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कम से कम इनको ये दिन आ, आ, मैं दिखा पाया इसकी मुझे बहुत खुशी है इट मैटर लॉट इट मैटर क्या कहा फिर आपको जब ओवर नहीं उन्होंने बात किया राष्ट्रपति जी से बात किया प्रधानमंत्री जी से बात की जब सब लोग वो सारे बॉडीज़ के पास से गुजरते हैं वो लोग बात करते हैं तो जिस तरीके से कैसे हैं मेरा नाम ये है और मैं उनकी जो पूरी इनसेंस है जो एक आ, आ, फार्मर का आ, वो मैं और गांव वाले का वो मैं देख रहा था कि किस इनसेंस के साथ वो बातचीत कर रहे थे क्या <laughs> कहा राष्ट्रपति ने उन, उनसे बात की हुँ? नहीं नहीं वो बात कर रहे थे कि देखिए आपको आप, आप, आपको गर्व महसूस हो रहा है ना आपके हाँ। बेटे ने जीता तो तो मैं मैंने अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने बिल्कुल बात नहीं की क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे पिताजी बात करें चाहे वो राष्ट्रपति जी हों या प्रधानमंत्री जी हों वही बात करें और उनको ये ये अनुभव हो कि मैंने राष्ट्रपति जी से मैंने प्रधानमंत्री जी से मैंने रक्षा मंत्री जी से मैंने सारे मिनिस्टर से बात किया मैं चाहता था कि वो बात करें क्योंकि वो बातुनी थे मेरे पिताजी hmm. और बहुत बात करते थे अपने इन्ना बहुत ही इन, इनोसेंट टॉक करते थे बट उनको वो सारे इनोसेंट टॉक्स जो उनके मैं थोड़े से दूर से सुन रहा था मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था इट्स अ टचिंग मोमेंट है ना मोर देन टचिंग मोमेंट से ज्यादा मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा खुशी का समय था अगर आप मुझे कहें कि सबसे ज्यादा खुश आप कब सबसे ज्यादा खुश था जब मेरे पिता राष्ट्रपति जी से बात कर रहे थे वेरी <laughs> स्ट्रेंज हाँ. <laughs> ना yeah. कि वन वुड थिंक दैट यू मीट अ सक्सेसफुल पर्सन की सबसे ज्यादा खुशी कब हुई मैंने पहली गाड़ी ली या मैंने पहला बंगला लिया या मैंने पहली पहली बार प्लेन में चढ़ा नहीं मैं सबसे ज्यादा खुशी हुई टू टू सी फादर टेल यू दटलिस्टिक अचीवमेंट्स आर नॉट अचीवमेंट्स फॉर मी आई अ वेरी पर्सनल अचीवमेंट भी नहीं है आई डू मेरे सपने में ये कभी नहीं आया कि मैं ये मैंशन होगा या ये बड़ा अपार्टमेंट होगा ये बड़ी गाड़ी होगी दिज अर दर थिंग्स दैट आई कुड बाय बिकॉज आई कुड अफोर्ड इट दैट सेट अगर मैं अफोर्ड नहीं कर पाता तो वो मैं मुझे जो मैं अफोर्ड कर पाता उसी में मेरी एक अच्छी अच्छा अच्छा मतलब एक दूसरे को प्रेम करने वाला परिवार है छोटा सा हम लोग बड़े खुश रहते हैं hmm. मेरे लिए मैटर ये करता है कि वट आई हैव डन दैट डे द प्रोसेस वॉज फ्रूटफुल और नॉट डिड आई इन्जॉय दैट इज ऑफ शूट और नॉट कु आई अचीव दट एवर आई वॉन्ट अचीव दैट डे इन माई क्राफ्ट और नॉट सो ये सब चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं hmm. ये मटलिस्टिक चीज़ें मुझे मेरी पत्नी को uh, बिल्कुल आपने कहा कि आप स्पिरिचुअल हैंज अ जर्नी दैट स्टार्टेड फॉर मी एंड फॉम माई वाइफ वी डोंट टॉक अबाउट इट बिकॉज मोस्ट ऑफ़ द पीपल नेवर अंडरस्टैंड वे से वट वी डू बट सिंस बिगिनिंग ने मनी गिव फ्रीडम और इस शहर में, Any, में uh, hmm. जहाँ पे लोग फ्रिज गाड़ी और कितनी ज़मीनें हैं और uh, आपका आपका uh, मॉडलर किचन है कि नहीं mm -hmm. uh, फेनस्ता का आपका विंडो है कि नहीं इन सब चीज़ों से आपका आकलन करते हैं तो ये सब जगह है ये mm -hmm. सिर्फ मुंबई शहर में नहीं है mm -hmm. दिल्ली भी उतना ही मटल है बट वी आर लकी बोथ मी एंड माय वाइफ दैट आर सीकिंग हैज़ बीन वेरी वेरी इंटेंस वी आर वेरी लकी दैट आर जर्नी स्टार्टेड अंडर आर स्परिचुअल गुरु एंड इन दैट्स इन द राइट डेक्शन सर आपने आपका फिटनेस रजीम बताइए हमको बिकॉज यू हैव रिमेन कॉन्स्टेंट ऑल अलॉन्ग आपके कोई सडन वेट स्पर्ट्स ये सब थे नहीं आप हमेशा यू लुक फिट एंड अजाइल तो हाउ डज मनोज बाजपाई की फिट यू नो फिफ्टीन ईयर्स सिक्सटीन ईयर्स बैक काियलाइज दैट नाउ द पार्टिंग शुड स्टॉप क्योंकि अब जो है uh, जो भी खा पी रहा हूँ वो बदन को बदन में लग रहा है उसके बाद सब बहुत सारी चीजें छोड़ी जिसमें से स्मोकिंग भी था और एक हार्ड लीकर था दोनों ही मैंने इमिजिएटली ड्रॉप किया इन वन डे आई ड्रॉप तो आई एम दैट ब्लैस्ड क्वाइट ब्लेस्ड नहीं नहीं हुआ हुआ आई आई एम एम ब्लेस्ड ब्लेस्ड विल विल पावर अच्छा क्वाइट पावर तो जब छोड़ा तो एक ही दिन में दोनों चीजें छोड़ी बीवी ने बोला नहीं बिल्कुल नहीं खुद लगा हाँ हाँ खुद ही मेरी वाइफ तो कहती है कि अगर हस्बैंड एक्टर हो तो उसको बोलने की जरूरत नहीं है mm. क्योंकि एक्टर्स सेल्फ कॉन्शियस कि वो खुद ही कर लेते हैं तो अभी उसका नाम इंटरमीडियंट हो गया है लेकिन हमारे घर में रात को किचन नहीं चलता है बिल्कुल mm. नहीं और मेरी बेटी तो अभी बो, बोर्डिंग में रहती है तो वी हैव ऑल द मोर रीजन नॉट टू ऑपरेट द किचन इवनिंग या एट ऑल सनडाउन के बाद कुछ सनडाउन के, के बाद कुछ भी नहीं होता है आजकल उसका नाम इंटरमीडियंट दे दिया है आयुर्वेद में तो कई सालों से जो है सनडाउन के बाद कहते हैं कि भाई आपको नहीं खाना है चौदह घंटे सोलह घंटे की आपका यू हैव टू है ना तो चौदह घंटे आप खाते नहीं है नहीं मैं तो कहीं खाता हूँ कितने बड़ा अठारह घंटे नहीं खाता हूँ वो तो छोड़ दीजिए अठारह घंटे हाँ कई सोलह घंटे अठारह घंटे उठ के हाँ सुब, सुबह उठ करके गर्म पानी पीजिए हाँ। उसमें जीरा वाटर पीजिए गर्म अजवाइन डाल के पीजिए ये सब अलग अलग टोटके वो कभी 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 बिहार गया मैं गांव गया हाँ। तो वहाँ पे एक छोटे वाले समोसे को सिंघाड़ा बोलते हैं हाँ। उसके जैसा सिंघाड़ा कहीं नहीं मिलता है इस हाँ। दुनिया में कोलकाता में भी नहीं ना ना अच्छा So, उषा सिंघाड़ा बहुत हाँ। मैं बेतिया शहर में लाल बाजार में एक नहीं लाल बाजार नहीं नहीं लाल बाजार पे आपको उषा सिंघाड़ा देखिए मुंह में पानी आ रहा है <laughs> <laughs> वो लाल रंग की चटनी के लाल साथ लाल रंग की चटनी के हाँ। साथ और केचप हाँ। हाँ। नहीं यार यार जो मुँह पानी आ रहा है अभी तक मेरे <laughs> तो वहाँ जाता हूँ फिर मैं नहीं सोचता हूँ फिर मैं खा करके पी करके सब आता हूँ वहाँ से मतलब वहाँ के खाने वाने खाता हूँ संतुष्ट संतुष्ट होकर के क्योंकि गाँव जब जाते हैं तो फिर पुराने दिन याद आते हैं उसके कारण आप खाते हैं अदरवाइज जल्दी सोना Hmm. दस बजे तक साढ़े दस बजे पार्टियाँ वार्टियों में नहीं, जाते नहीं जाता हूं मैं मैंने नहीं देखा फोटोज लोग जानते अब तो लोगों ने बुलाना बुलाना भी बंद कर दिया है क्योंकि <laughs> वो जानते हैं कि नहीं आएगा <laughs> तो इनविटेशन वेस्ट क्यों करना है अच्छा <laughs> <laughs> अच्छा तो आपको ये सब यस एंड अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन अपना क्रिया योग मेडिटेशन फिर उसके बाद योगा या माइल्ड जॉग के लिए जाना फिर उसके बाद यू नो फ्री हैंड फिर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस ऑल ऑफ दैट मेरा सुबह का रूटीन बहुत लंबा चौड़ा होता है अच्छा तो अगर मेरा डायरेक्टर कहता है कि सात बजे शूटिंग पे आना है hmm. तो मेरे लिए मतलब मौत हो जाती है क्योंकि मुझे उठना पड़ता है फिर चार बजे सुबह साढ़े तीन oh. चार बजे फिर उसके लिए जल्दी बहुत जल्दी सोना पड़ता है बिकॉज टू फिनिश एवरी ऑल दैट रूटीन टेक्स एटलीस्ट टू एंड ये फिजिकल वेलबींग सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे ऐसे किस्से हुए हैं वहाँ You know, where people just let go of their physical well-being. Because uh, it just... And then they let themselves go and that affected their mental health also. Right. So, do it is, you think... You know, it is very, but see, it is very important to be disciplined. That hmm. in ek you uh, routine to follow a routine. Don't let the routine follow you. You follow a routine. Whether you are or not. There is one thing which will always help you. whether you are going somewhere or not going make it sure that you do little bit of exercise get up early morning do little bit of exercise 5 मिनट का meditation क्यों ना हो hmm. 5 मिनट के लिए भी meditation कीजिए alarm लगा दीजिए phone पे स्मार्टफोन तो सबके पास सब होता है हो. 5 मिनट का अलार्म लगा करके आंख बंद कर लीजिए आंख बंद करके अपने ब्रेथ पे कंसंट्रेट कीजिए 5 मिनट के लिए कोई नहीं कह रहा है कि आप 5 घंटे के लिए कीजिए हमें ये सुबह हमेशा कीजिए और उसके बाद एक जो सबसे इसेंशियल चीज़ है जो मैं अपने स्ट्रगल के समय में भी करता था मुझे कहीं जाना है नहीं जाना है मैं सुबह सारा अपना रूटीन करने के बाद मैं नहाता ज़रूर था नहा करके मैं कपड़े पहनता था इफ कि मैं किसी से काम मांगने जा रहा हूँ और परफ्यूम लगा करके फिर मैं टीवी के सामने बैठ जाता था <laughs> सो so, आपका डे कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए ये आपकी अपब्रिंगिंग आप होगी मम्मी ने सिखाया होगा नहीं किसी के नहा के निकलो और ये, ये लिथाजिक कभी नहीं होना हाँ, चाहिए हाँ। की या फिर आपका आप आप कहीं जा रहे हैं चाहे नहीं जा रहे हैं टू टू स्टिक टू योर रूटीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आप कहेंगे कि किसने सिखाया ना मेरे पिताजी ने सिखाया ना मेरी माता जी ने ये मेरे ग्रैंड फादर को देख के मैंने सीखा था कोई मैंने कहा ना कहीं तो ये अब है। मैं देखा था वो सुबह तीन बजे उठना चार बजे वो मंदिर में बैठ जाना रामायण का पाठ करना और वो और फिर वहाँ से निकलना फिर वो सारे खेत पे चले जाना सारे खेत को देख करके बाय द टाइम वो आते थे सब लोग उठ जाते थे आकर के सबसे पहले नाश्ता करते थे उसके बाद एक कप चाय पीते थे फिर अपना धो अच्छे से धोती कुर्ता पहन करके फिर से वापस वो सब सब लोगों के पास जा कर के सारे रिश्तेदारों के पास बैठ दस दस मिनट आधा आधा घंटा बैठते थे फिर खाने का टाइम हो जाता था फिर दोपहर का लंच करते थे फिर वो आधे घंटे का नैप लेना तो व्हाट वट एंड वो एक बार आपने खाना ले लेते थे वो दोबारा नहीं लेते थे hmm. दूसरी हेल्पिंग कभी नहीं ली उन्होंने नेवर यू नो यूर आर दिस वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद फॉर्मर तो uh, जब वो प्रेजिडेंट थे तो मुझे मौका मिला कवरेज करने का और उनकी जो फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं तो उनके फ़िटनेस इंस्ट्रक्टर ने मुझे बताया एग्जैक्टली वॉट योर टेलिंग मी अबाउट योर ग्रैंड फादर कि वो ऐसे रूटीन के पाबंद हैं और वो इतने फि अपने फिज़िकल एक्सरसाइज uh, वगैरह उसको बिल्कुल नहीं मतलब उस उम्र में भी जो उनकी उम्र थी जब वो प्रेसिडेंट थे देयर वाज एन आर्मी फिजिकल इंस्ट्रक्टर हु वाज विद हिम हु ही वुड मेक श्योर कि वो मुझे सुबह रोज मेरे से एक्सरसाइज कराए और वो मतलब नाप तोल के खाते थे हाँ, ज्यादा नहीं कम नहीं कम नहीं बिल्कुल मतलब बिल्कुल जितना खाना चाहिए जितना अपने शरीर को चाहिए उतना ही बिल्कुल उतना मेरे ही। मेरे ग्रैंडफादर कहते थे कि हमेशा जो है 75 परसेंट आपका स्टमक भरना चाहिए 25 परसेंट हमेशा खाली होना चाहिए आप वही करते हैं हमेशा हर किसी को करना चाहिए कि अपनी भूख से कम खाइए जब आप भूख से कम खाएंगे तो डाइजेशन जल्दी जल्दी मन मानता है मान जाता है मन तो मन तो आपका है ना कंट्रोल हाँ आपका मन है वो किसी और का मन नहीं है तो आप उसको बोलिए कि मान जा मैं तुझे फिर से चार बजे दूंगा <laughs> अभी के लिए इतना ही है दैट पुट्स द रूट या सो वेयर डज योर करियर टेक यू यू फ्रॉम नाउ फाइनली आई वांट आस्क कि अब क्या वो मुकाम है जहां पर मनोज बाजपाई पहुंचना चाहते हैं मुकाम तो कुछ नहीं मुकाम पर किसी मुकाम पे नहीं पहुंचना चाहता था मैं पह, कभी भी मैं अपनी रोजी रोटी एज एन एक्टर कमाना चाहता था वो कई सालों से कमा रहा हूं हुँ. तो मेरा अगर सही पूछे तो जो मकाम सोच के चला था वो तो बहुत पहले वो पा चुका मैं अच्छा जी कि मैं अपनी रोजी रोटी एक अभिनेता के तौर पे कमा रहा हूँ और उसको लेके मुझे क्रिएटिव पर एक बात बात होता है कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ कभी वो हो चुका एक हाँ एक था कि मैं एक ऐसी फिल्मोग्राफी तैयार करना चाहता हूँ जिसपे मुझे सबसे ज़्यादा गर्व हो या कोई भी मेरे अगल बगल वाला हो उसको बहुत गर्व हो वो भी एक तरीके से मैं कहूँ तो टचवुड वो भी हासिल होगा कि अराउंड यर बैग मैं और मेरी वाइफ सुबह जो है कॉफी पी रहे थे एंड शी सन्टली सेट योर योर फिल्मोग्राफी इवन नाउ इज क्वाइट एनवीएस यू नो इज क्वाइट ए और यू कॉल योर फिल्मोग्राफी इज समथिंग दैट एनी वन इज गोइंग टू एनवी एंड दैट टाइम आई रियलाइज दैट ओ तब तो इसका मतलब कि दैट थिंग आई हैव

जो साउथ की पार्टीज हैं आ, नहीं तो हर पार्टी ने हर दल ने मुझे अप्रोच किया बड़े नतमस्तक होकर के विनम्रता के साथ सबको मना किया मैंने उसका कारण सिर्फ इतना है कि मेरा ये काम को छोड़ के किसी और चीज़ में दिल ही नहीं लगता मैं किसी भी जगह छुट्टी मनाने में जाता हूँ तो वापस आ जाता हूँ क्योंकि मुझे फिर से कैरेक्टर पे काम करना उसके प्रोसेस में जाना उसके लिए सारी तैयारी करना उन सब चीज़ों पर मेरा मन लगा रहता है और शायद मैं मुझे लगता है कि जिस दिन वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा मैं मैं फिर किसी और जगह शिफ्ट हो जाऊंगा वापस उसी गांव में शायद गांव में शायद पहाड़ों में पहाड़ में अपने सेकंडली आई एम आई वेरी हैप्पी एंड ब्लिसफुल व्हेन आई एम डूइंग माय ओन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सो दैट सीम्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ एट दिस स्टेज है ना आई थिंक इट इज इट इज It is getting too intense. Okay. It is getting too intense with time. So what are the projects you're working on right now? Any films that we should look S forward to? So the six projects that I have completed, Smita. Uh, one, the starting with Gulmohar. Hmm. Uh, Shamila Tagore is coming back after 15 years. We, Gulmohar is a story uh, which is set in Delhi. You would love it. Yes, uh, I live in Gulmohar Park. Uh, Gulmohar Park. <laughs> so look at the coincidence. <laughs> <laughs> okay. So... Uh, then uh, there, is a, there is a series called Soup uh, hmm. for Netflix, uh, directed by Abhishek Chobe. Soup? Soup. What it it that soup is that Soup. Shorba. Shorba. What is amazing. Abhishek Chaube, who is one of the finest uh, director of our country. And uh, then you have uh, B B Banda. Hmm. Banda is a story of a lawyer. Hmm. The story is set in Jodhpur. Hmm. Uh, that is one and then quite a few projects no uh, many uh, Joram uh. Joram which is set in Jharkhand and Bombay okay uh, which is also selected in Rotterdam Film Festival okay in competition uh, and then uh Kanuba has Dispatch Roni Ushkuruwala is the producer then you have Ram Reddy's uh, Pahadon uh, so that will be uh, that we have an American collaboration uh, or oh yes, isop 2023 hopefully wow so you've yeah. been busy during covid time also filming that means i think i've been shooting uh, you know every day uh, oh. you know so only time i didn't shoot when the first lockdown happened uh, second lockdown we were somewhere far away okay. from the civilization huh. so we could manage to shoot there amazing and so तो इसीलिए तो राजनीति के लिए वक्त नहीं है आपके पास बैक टू बैक फिल्म राजनीति के लिए क्या मतलब हमने इंडस्ट्री से बहुत सारे दे दिए हैं आपको <laughs> <laughs> वो लोग बिजी रख रहे हैं आपको बट नो बटी रियली यू नो फ्रॉम बिहार आधे देन छत्रुघन से ना और कोई है ही नहीं तो फिर आप आइए फिर पॉलिटिक्स में और भी बहुत सारे बिहारी मैं आपको मिला दूंगा <laughs> आप उनको ये <या> ऑफर दीजिए <laughs> मैं बहुत खुश हूँ एवरीबडी द रोल सो ब्यूटिफुली जैसे वो आनंद श्वासनेकर को कहते हैं ना कि जिस तरह वो करते हैं या हैरिसन फोर्ड करते हैं ऑफ अ पॉलिटिशियन इट लुक्स लाइक नेचुरल फिट मैंने किलर का भी सरदार खान का भी रोल बहुत अच्छा किया था मैं ऐसा नहीं हूँ <laughs> मुझे वो नहीं नहीं करना चाहिए गुड आंसर इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू 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 थैंक सो मच मनोज एंड विशिंग सक्सेस इन ऑल द प्रकाश डू लाइक और सब्सक्राइब ऑन और हर्ड दिस नमस्ते जय हिंद